वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आप देख रहे हो, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं दो मेरे पास स्विच आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मेरे पास ये एलईडी बल्ब है और जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरे पास टूल्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम कुछ नया आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मैं आपको 3-4 दिन के अंदर लगभग क्या है, कुछ ना कुछ नया प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। और आज हम क्या है देखते हैं, जो हमारे पास स्टेयर के जो वायरिंग है उसका हम कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो लगभग जितने भी हमारे पास टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनको स्टेयर केस वायरिंग का जो कनेक्शन है वो पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से हमारे पास थ्योरी जो एग्ज़ाम होता है, थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से हमारे पास। तो आपको पता होना चाहिए स्टेयर केस वायरिंग के अंदर कौन से स्विच यूज़ करते हैं। जो मेरे पास आपको ये स्विच दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास है टू वे स्विच, ठीक है। टू वे स्विच किस तरह से दिखाई देंगे आपको, इसके अंदर मेरे पास ये 3 टर्मिनल होते हैं। ये आपको यहाँ पर 3 टर्मिनल दिखाई देंगे, 1, 2, 3, ये मेरे पास 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये मेरे पास टू वे स्विच होगा, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं बेसिकली स्टेयर केस वायरिंग के अंदर। स्टेयर केस वायरिंग में किस तरह से यूज करते हैं, जैसे कि आप क्या है नीचे से ऊपर जाते हो स्टेयर के थ्रू, तो आपको मतलब स्टेयर के अंदर अंधेरा दिखाई दे तो आप नीचे से क्या है जो बटन है वो ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे, आपकी लाइट जल जाएगी, ठीक है, लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप क्या है ऊपर चले जाओगे तो आप दोबारा नीचे तो नहीं आ सकते लाइट को बंद करने के लिए। तो इस तरह से कोई एक सिस्टम बनाया है जो कि ये टू वे स्विच काम करेगा आपका। हम क्या है ऊपर भी एक और स्विच लगा देते हैं और उस स्विच को हम दबाएंगे तो हमारे पास लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। इस कंडीशन को हम देखने के लिए आज देखते हैं कनेक्शन किस तरह से होते हैं टू वे स्विच के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टू वे स्विच का हम यूज करते हैं स्टेयर केस वायरिंग में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको सारे कनेक्शन करके दिखाता हूँ टू वे स्विच के। तो देखते हैं सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये दो मेरे पास टू वे स्विच की आपको जरूरत होगी, ठीक है। दोनों टू वे स्विच के अंदर क्या आपको 3-3 टर्मिनल होते हैं इनके अंदर। नॉर्मल जो हमारे पास स्विच होता है, तो नॉर्मल स्विच है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास एक ये नॉर्मल स्विच है, इसके अंदर क्या है मेरे पास 2 ही टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल स्विच के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं और टू वे स्विच के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे पास क्या है कनेक्शन किस तरह से होंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा स्विच है वो किस तरह से हमारे पास सही पोजिशन में होगा। यानी कि हमारे पास जो भी स्विच होते हैं वहाँ पर नाम वगैरह लिखा होता है, यहाँ पर एक छोटा सा आपको आई बटन दिखाई देगा छोटा सा, ठीक है। ये आई का जो आकार जो बटन जो हमारे पास क्या है शेप का वर्ड दिखाई देता है आई शेप का, तो वो मेरे पास क्या होगा उस पोजीशन में मेरे पास जो बटन होगा वो सही होगा, ठीक है। अगर हम उल्टा बटन करते हैं तो ये मेरे पास आई अगर ऊपर हो गया तो मान लीजिए ये मेरे पास उल्टा बटन हो जाता है, ठीक है। तो हम दोनों को किस तरह से करेंगे, दोनों की जो मेरे पास आई जो मेरे पास लिखा हुआ है वो मैंने एक साइड में लिया है और इन दोनों के हमें कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना है जो आपको 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं उन 3 टर्मिनलों में से ऊपर वाले 2 टर्मिनल हैं इनको आपस में जोड़ना होगा, नीचे वाले 2 टर्मिनल हैं इनको आपस में जोड़ना होगा। बिल्कुल ईजी है, मैं आपको जोड़कर दिखाता हूँ किस तरह से हम जोड़ते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, मेरे पास कुछ वायर है, ये आप वायर यूज कर सकते हो अच्छी तरह से, आपको छीलनी होगी वायर को। और ये वायर मैंने क्या है, एक तो मैंने क्या किया इसके ऊपर का जो मेरे पास पॉइंट होगा उसके साथ मुझे जोड़ना होगा। तो एक मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला जो मेरा पॉइंट है उसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया। और यहाँ पर आई बटन आपको देखना होगा, आई जो मेरे पास है ये निशान है वो आपको देखना होगा इसके अंदर किस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लायर भी आपके पास होना चाहिए जो कि आपके लिए इजी वर्क कर सकता है प्लायर आपके लिए। अब इसके साथ मैं ऊपर वाले के पॉइंट के साथ ही जोड़ता हूं, तो ये मैंने फर्स्ट वायर क्या है जोड़ दी है, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट फर्स्ट के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे पास एक और वायर है, इससे मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास नीचे वाला जो पॉइंट होगा नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले के साथ जोड़ूंगा मैं इसके अंदर। इसके अंदर मैंने नीचे वाले पॉइंट के साथ नीचे वाला पॉइंट जोड़ दिया है,
ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कनेक्शन यहाँ पर कर दिया है, इतने कनेक्शन, दोनों कनेक्शन। अब क्या है, मेरे पास दो पॉइंट बचे हैं, एक इस स्विच का एक इस स्विच का। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मेरे पास जो ये पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, डायरेक्ट सप्लाई के साथ जोड़ दूंगा मैं इस पॉइंट को। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो मेरे पास ये पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट, इसको मैं डायरेक्ट सप्लाई के साथ जोड़ रहा हूं। ठीक है, ये मेरा एक कनेक्शन हो गया यहां पर। अब मेरे पास ये होल्डर है, आपको होल्डर दिखाई दे रहा है, होल्डर में दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल पे जो मेरे पास कनेक्शन होगा वो मेरा कनेक्शन किस में होगा, जो मेरा ये बचा हुआ पॉइंट है उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस होल्डर का जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, जो मेरे पास बचा हुआ पॉइंट है उसके साथ मैं इसका कनेक्शन कर दूंगा। तो ये मेरे पास बचा हुआ पॉइंट है, इसके साथ मैंने ये जोड़ दिया है। ठीक है, अब मेरे पास जो कनेक्शन है वो रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल डन है। आप क्या करोगे, सिर्फ आपको करना क्या है, जो आपका कनेक्शन किया हुआ है कि ये वायर जो है, एक मेरे पास ये वायर निकली है जो कि यहाँ से निकली हुई है, ये वायर बची हुई है मेरे पास एक। ठीक है, इस वायर का जो मेरे पास पॉइंट बचा हुआ है, और दूसरा मेरे पास यहाँ होल्डर से एक और पॉइंट मेरा निकला है, वो वाला है। ठीक है, जो कि होल्डर का एक कनेक्शन मैंने इसके साथ जोड़ा हुआ है, दूसरा मेरे पास ये होल्डर का कनेक्शन ये निकला हुआ है। ये मेरे पास दोनों वायर है, जो कि मैं क्या करूंगा, अभी मेन सप्लाई के साथ जोड़कर दिखाता हूं और आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूं जो कि स्विच हमारा काम कर रहा है या नहीं, जस्ट वेट। तो दोस्तों, मैंने मेन सप्लाई से कनेक्शन कर दिया है। अब आप देख सकते हो मेरे पास जो दोनों स्विच है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्विच जो मेरे पास है, दोनों स्विच का मेरे पास जो पॉइंट होगा, ये वाला क्या है, ऊपर वाली पोजिशन के अंदर है, ये वाला क्या है, नीचे वाली पोजिशन के अंदर है। आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ये वाला नीचे पोजिशन में है और ये वाला मेरे पास ऊपर की पोजीशन में है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं क्या है, दोनों स्विच की पोजीशन सेम करता हूँ, तो मेरे पास ये बल्ब ऑन हो गया। ठीक है, इससे मैंने ऑन किया है, अब मुझे बंद इससे करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दबाता हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास बंद हो जाता है। अब बाई चांस हम ऊपर पहुँच गए हैं, ठीक है, स्टेयर्स के थ्रू क्या है, वो ऊपर पहुँचे हैं, अब हमें नीचे जाना है तो दोबारा स्विच ऑन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को मैंने ऑन किया, मेरा बल्ब ऑन हो गया। नीचे पहुंचा हूं, नीचे पहुंचते ही क्या मुझे स्विच दबाना होगा और बल्ब को बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दबाऊंगा, ये बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो कनेक्शन मैंने करके दिखाए हैं समझ में आ गए हैं। स्टेयर केस वायरिंग का कनेक्शन आप सभी को पता होना चाहिए, जितने भी हमारे टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होना चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है लगभग जो स्टूडेंट्स को पता भी है इनके बारे में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स आज नया जुड़ा है हमारे साथ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मैं आपके लिए क्या है, लगभग क्या है, दो तीन या तीन चार दिनों के अंदर कोई नया प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आता रहता हूं आपके सामने। ठीक है, पीछे मैंने आपको सब स्टेशन की जो वीडियो है वो मैंने आपको दिखाई थी, सब स्टेशन के अंदर कौन कौन से मेन इक्विपमेंट यूज होते हैं, और मैंने आपको डीसी मोटर के एक एक पार्ट आपको मैंने ओपन करके दिखाए थे, किस तरह से डीसी मोटर के पार्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद मैंने आपको कूलर का कनेक्शन दिखाया था। इसी तरह से क्या, हम आगे भी और भी नई प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।